मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूँ वंदना झा। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की आज की खास खबरें। पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। महापौर नरसंहार के तीन और आरोपियों ने किया सरेंडर। लगातार पुलिस की दबिश के बाद आरोपी विनीत कुमार झा, अमरजीत कुमार और विश्वजीत कुमार ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आज महापौर गाँव नरसंहार के पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने पहुँचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद के साथ गंभीर रूप से जख्मी मनोज सिंह को लिफ्ट कर भेजा दिल्ली। सहार फाटनी कोचिंग संस्थान के संचालकों ने फूका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। शिक्षण संस्थानों को जल्द नहीं खोले जाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। महापौर गोलीकांड की घटना के बाद जमीनी विवाद को लेकर सख्त हुई पुलिस। क्राइम मीटिंग में एसपी डॉक्टर सतप्रकाश ने सभी थाना अध्यक्षों से मांगी जमीनी विवादों की सूची। तो हम समझ गए कि एक घटना घटी थी बिना मन बढ़ो या पूर्व के बिना कि हम एक दबंग आदमी हैं या मेरा वर्चस्व रहे, बिना इस प्रवृत्ति के एक छोटी सी घटना में इतने बड़े अहंकार का रूप ले लेने और उसके बाद इतनी बड़ी घटना। नेता और आम लोगों को इस नरसंहार को जातीय रंग नहीं देने की भी अपील की। क्षेत्र के मोहम्मदपुर हत्याकांड के तीन और आरोपियों ने पुलिस के बढ़ते दबाव और कुर्की जब्ती के भय से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही उक्त हत्याकांड में अब तक कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हालांकि पुलिस तीनों आरोपियों को बेनीपट्टी मुख्य बाजार के इंदिरा चौक से गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। विश्वास सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों नामजद आरोपियों ने अलग अलग समय में अपने अपने अधिवक्ता के साथ आकर बेनीपट्टी सर्किल पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहीं सर्किल पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार के अनुसार अरेर थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा विनीत कुमार झा व अमरजीत कुमार झा अंकित को बेनीपट्टी मुख्य बाजार के इंदिरा चौक से गिरफ्तार किया, जबकि तीसरे आरोपी विश्वजीत कुमार झा ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया। बताते चले की उक्त हत्याकांड में आरोपी तीनों लोग एक ही परिवार के सदस्य है। विनीत कुमार झा किए हैं जिसका महासभा स्वागत करती है।
हम लोग हत्यारा का कोई जाति नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग हैं जिनका नाम बायस होकर के झूठ फूस का दिया गया है, जो असत्य है, अन्याय है। जो 80 साल के बूढ़े हैं, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो ब्राह्मण हो, और दो किलोमीटर दौड़ करके वो गए और मार दिए, चले आए, उनको चलने भी नहीं आता है, ऐसे लोगों का नाम आप क्यों दे रहे हैं? तो प्रशासन फिर जान के आग लगाना चाह रही है बेनीपट। जिले में जमीनी विवाद के बढ़ते मामले और आए दिन जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झड़प के बाद पुलिस अब जमीनी विवाद को लेकर सख्त हो गई है। पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश ने जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अध्यक्षों से जमीनी विवादों की सूची मांगी है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अध्यक्षों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जमीन से संबंधित विवादों को प्राथमिकता से लें। गौरतलब है कि बेनीपट्टी के चर्चित मोहम्मदपुर नरसंहार में विवाद का कारण दोनों पक्ष के बीच तालाब को लेकर आपसी रंजिश की बात सामने आने पर अब पुलिस ऐसे किसी भी विवाद और रंजिश को लेकर सतर्क हो गई। सर्कल इंस्पेक्टर और SDPO को बोला गया पिछले 2 से 3 साल में जितने भी भूमि विवाद हैं, जो भी उसका कारण है, उसका स्पष्ट रूप से रिपोर्ट मांगा गया है, और जितने भी इसमें कांड दर्ज हुए हैं उसमें उसकी अद्यतन क्या स्थिति है, इस सभी को 2 दिनों के अंदर सख्त निर्देश दिया गया है कि उसको जानकारी दें। और कहीं पर भी इस तरह का मामला है जो तालाब से रिलेटेड या अन्य किसी आपसी रंजिश के भी कारण, उसकी सूची तैयार करें और उस सूची तैयार करके उस पर अग्रतर कार्रवाई, चाहे निरोधात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुआ तो गिरफ्तारी की कार्रवाई, और वैसे सभी कांड का रिव्यू करेंगे जहां पर लगता है कि एक अभी छूटा हुआ है या एक जेल में है, उन सब का भी रिव्यू करेंगे। सोन जिला के बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मिल्लत चौक पर हैं, और यहाँ जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं ये FCI गोदाम का गाड़ी है। जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी रुका हुआ है, इसी स्थिति में रुका है। जो गाड़ी जो है 7:30 बजे के आसपास में FCI गोदाम बिस्सी से जो है निकल रहा था, और नवो गाड़ी दिखा रहा हूँ। उस गाड़ी पे कोई नंबर नहीं है, कोई कागजात नहीं है, वो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उस स्थिति में यहाँ लेके जा रहा था। ये गाड़ी FCI गोदाम का गाड़ी है जो आप देख रहे हैं, विदाउट नंबर। इसके पीछे माल लोड है, ये विदाउट गाड़ी है, विदाउट नंबर ये गाड़ी है, और ड्राइवर के पास किसी तरह का कोई कागजात नहीं है, ना गाड़ी का कागजात है, ना इसका नंबर है, नहीं तो FCI गोदाम का कोई लेबल लगा हुआ है। आपको इधर दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर माल लोड है, FCI गोदाम से माल लोड 7:30 बजे के आसपास माल ले जाया जाना था, और इसके पीछे न तो आगे नंबर है न तो पीछे नंबर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ जो है हमारे पीछे जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूदा जो है यहाँ पे इसका ठेकेदार आया हुआ है, मैं चाहूँगा कि ठेकेदार से बात करें।
ये ठेकेदार साहब है, यहाँ पे करीब एक घंटा से गाड़ी लगा, उसके बाद इनको इन्फॉर्मेशन किया गया है तो यहाँ पे आए हुए हैं। ये बहुत ही दमंगाई यहाँ पे कर रहे हैं और अनाप साहब बक रहे हैं, जबकि ये खुद देख रहे हैं कि गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है गाड़ी पे, न गाड़ी पर जन्म इतने प्रणाली का लोगो लगा हुआ है। सर आप इस पर कुछ कहेंगे क्या? 7:30 बजे आप माल निकाले, साढ़े 7 बजे आपका ड्राइवर का और ये जो आपका कहाँ के बाबा गाड़ी वाले उनसे इनसे मैंने स्टेटमेंट सुनिए। एक ये SBI का जो है कॉन्ट्रैक्टेड ठेकेदार है जो माल इनके द्वारा ले जाया जाता है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम नून तेल लगा करके माल निकाल ले। और ये गलती आपने देखा है कि यहाँ पे विदाउट नंबर 7:30 बजे माल यहाँ से निकाला जा रहा था, और ये ठेकेदार साहब है। आगे मैं SDO साहब से, थाना अध्यक्ष महोदय से भी मैंने बात किया है, और SDO साहब जी MO तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, SDM साहब की लापरवाही है, और इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि MO साहब की लापरवाही है, जो गोदाम खोलने का कोई टाइम कोई लिमिट नहीं है, और जो गाड़ी आपको दिखा है विदाउट नंबर विदाउट जो है जन्म वितरण प्रणाली का लोगो लगा हुआ है, यहाँ तक कि गाड़ी चोरी का है या क्या है ये मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ड्राइवर के पास गाड़ी का जवान के साथ यूज करता है,
जब जब चुनाव आया है तब तब हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं। ये यूज किया जा रहा है, ये उपयोग किया जा रहा है हमारे देश के वीर जवान शहीद के साथ। जब लोकसभा चुनाव था तब पुलवामा हुआ, जब बिहार विधानसभा गलवान घाटी हुआ, अभी बंगाल विधानसभा चुनाव है तो हमारे देश के वीर जवान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए नक्सलवादियों से। ये उपयोग चल रहा है। और नीतीश कुमार बिहार में ये जो स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद करवा रखे हैं उसका विरोध करते हैं, और हम लोग कल से कोचिंग संस्थान खुलवाएंगे और स्कूल चलवाएंगे। बंगाल में अभी चुनाव रैली हो रहा तो कोरोना नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज खुलेगा तो कोरोना है। इसलिए मैं आप सभी जितने भी ये न्यूज़ के द्वारा अभिभावकगण छात्र छात्राएं युवा जितने भी हैं, आप सभी से मैं अनुरोध विनती कर रहा हूँ कि आप सभी आगे आइए और कदम से कदम मिलाकर एक क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे और ऐसी भ्रष्टाचार फरे भी झूठी सरकार को नीतीश चाचा को उखाड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अभी बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है जहां चुनावी रैलियां में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जिससे काफी भीड़ रहती है, तो वहां कोरोना नहीं है। और बिहार में स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुलेगा तो यहां कोरोना है। उन्होंने सरकार से शिक्षा और छात्र हित में अविलंब शिक्षा संस्थान को खोलने की मांग की, अन्यथा क्रांतिकारी आंदोलन करने की चेतावनी दी। प्रथम दिवस का प्रारंभ रात्रि में गुरु पूजा के साथ हुआ। इस अवसर पर महात्मा बलराम साहब द्वारा सतपथ पर चलने का प्रण लेने वालों को चौका पान दिया गया। इसके बाद महात्मा काली साहब और महात्मा उमेश साहब द्वारा मंगल गान गाया गया जिसे उपस्थित श्रद्धालु द्वारा भाव विभोर होकर सुना गया। बचने के लिए सरकार द्वारा
द्वारा निर्धारित उपायों और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सभी लोगों से करने की अपील की। रहिका प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष अरुण कुमार द्वारा दल बल के साथ क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान सभी बाइक चालकों को मास्क लगाने की सलाह दी गई। वहीं बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को फटकार लगाते हुए कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वाहन चेकिंग से तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन चलाने जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। वाहन जांच के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार यादव, थानाध्यक्ष अरुण कुमार, एएसआई राजेश कुमार सहित कई पुलिस कर्मी मौजूद। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ।